हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ. इन फर्स्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर. सो इफ यू हैवंट सीन द फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट गो थ्रू द फर्स्ट लेक्चर एंड देन यू कैन सी द सेकेंड लेक्चर. फर्स्ट लेक्चर का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक्स, है ना. एंड व्हाट वाज द बेसिक्स? बेसिक्स था क्या वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? आई टोल्ड यू बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता क्या है? वो होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एनी रीजन, यानी किसी रीजन में से या किसी सरफेस में से या किसी भी क्षेत्र में से जितनी फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं. अब बात ये आती है कि भाई सर, फील्ड लाइन्स जो पास हो रही हैं, फील्ड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी बॉडी में से या सरफेस में से या किसी प्लेन में से या किसी भी जगह में से पास हो रही हैं तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा. और अगर फील्ड मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे. जैसे आपके आटा वो करते हैं ना, आटे को छालने वाली बोलते हैं, छलनी बोलते हैं, है ना. तो उस छलनी, अब मान लीजिए कि भाई उसमें से आटा ऊपर से गिर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आटा उसके अंदर से नीचे पास हो जाएगा अगर आप जरा से उसको हिलाएंगे. लेकिन अगर उसको पकड़ के आपने यूं कर दिया, एकदम आप समझ रहे हैं, यूं है, उसको पकड़ के यूं कर दिया और ऊपर से अब आटा गिरेगा तो वो उसके अंदर से पास नहीं हो पाएगा. समझ रहे हैं, बेसिकली यही फ्लक्स है. या आप ऐसा भी एग्जांपल मान सकते हैं कि भाई मान लीजिए इस तरफ से पानी बह रहा है, इधर से वाटर का फ्लो रहा है और मेरे पास वो आटा छानने वाली जो है मशीन होती है, जो छलनी बोलते हैं, वो है, उसको मैंने यूं पकड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, पानी ऐसे फ्लो रहा है. अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो मैक्सिमम पानी उसमें से निकल जाएगा, है ना. अगर यूं कर दिया तो थोड़ा कम पानी निकलेगा, यूं कर दिया तो फिर बिल्कुल नहीं निकलेगा. बस यही कॉन्सेप्ट है फ्लक्स का. जो फील्ड पास हो रहा है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है उसे हम फ्लक्स कहते हैं. और मैंने ये भी एक आपको ज़रूरी बात बताई थी बेटा कि जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो एक तरह से वर्चुअल है, है ना भाई. जो चीज़ इमेजनरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इमेजनरी है. मैंने आपसे कहा कि 40 फील्ड लाइन पास हो रही हैं, आप बोलेंगे नहीं सर 4 लाख हो रही हैं. जब इमेजनरी है तो 40 हो या 4 लाख हो क्या फर्क पड़ता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना है अगर आपको, तो आपको समझना पड़ेगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी. देखिए, मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ, सिर्फ इसको ध्यान रखो, ई डॉट डी ए. इसमें ए है एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया, फिर भी आपको बता देता हूँ कि भाई एक 2D और एक 3D ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है. ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशली, ठीक है. तो ये 2D अपनी वाइफ के मैं लेकर आया हूँ, उसे पता लगेगा तो मारेगी मुझे. तो ये जो है ये रिंग है, आप इसे रिंग की तरह समझिए, और ये जो है ये क्यूब है. तो इसमें से क्लोज्ड सरफेस कौन सा है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर कौन सा है? क्लोज्ड स्ट्रक्चर ये है, ये जो क्यूब है वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर है. और ये क्या है? ये ओपन बॉडी है, यानी कि 2D ऑब्जेक्ट. ये 2D ऑब्जेक्ट है और ये है 3D. आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? इस 2D का अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपसे कहा कि भाई इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है. तो इसका एरिया वेक्टर अगर आप देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा आपकी तरफ, और ये एरिया वेक्टर भी पॉसिबल है क्योंकि बेसिकली इसका जो प्लेन है वो, इसका प्लेन कहाँ होगा? इसका प्लेन जो होगा वो तो ऐसे ही होगा, है ना. ये जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा. लेकिन अगर मैं आपसे इस क्यूब की बात करूं, अगर मैं कहूं आपसे कि इसके अंदर बताइए, अब इसके अंदर देखिए ये भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, मल्टीपल फेसेस हैं अलग अलग, तो आपके तरफ जो फेस है इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ होगा, ठीक है. ऊपर वाले का एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका मेरी तरफ होगा. अब इसमें डबल साइड एरिया वेक्टर पॉसिबल नहीं है, डबल साइड एरिया वेक्टर पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि अब ये हम ये मान के चलते हैं कि एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ. अंदर की तरफ लेंगे तो बॉडी के अंदर आ जाएगा. तो अब हम इसमें एक ही डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एरिया वेक्टर लेने वाले हैं, समझ गए. अच्छा, तो ये तो बात हुई एरिया वेक्टर की. अब इसमें से फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, तो आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि इस तरफ से, मान लीजिए ये घर है, है ना, ये एक कमरा है और इस कमरे के बाहर कोई सेना खड़ी हुई है और उसने तीर चला दिए इनके ऊपर, बहुत सारे तीर आ रहे हैं ऐसे इस तरह से. ये तीर जब इसमें आएंगे, आप सोचिएगा, और ये तीर जो है इनमें इतनी पावर है कि इसको पूरा मतलब कहते हैं ना कि इसको पेनिट्रेट करते हुए निकल जाएंगे, तो वो तीर यूं लगेगा और यूं लगने के बाद में अगर वो बाहर निकलेगा तो वो इस वाली साइड से बाहर निकलेगा. तो तीर से किसी ने पूछा कि ये 3D ऑब्जेक्ट है या 2D ऑब्जेक्ट है, तीर ने कहा 2D ऑब्जेक्ट है,
लोगों ने पूछा क्यों, बोला मैं जिससे पास हुआ वो तो एक क्या है स्क्वायर प्लेट, अरे तीर को क्या पता कि इधर उधर भी कुछ है, वो तो इसको भेदता हुआ निकला है ना बेसिकली, तो इसका मतलब वो कहेगा वो तो स्क्वायर प्लेट है, और बाहर निकला तो भी स्क्वायर प्लेट है, अरे वेटिंग दिस, तो उसको तो स्क्वायर प्लेट ही नजर आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये तो 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो फ्लक्स में ध्यान रखिएगा कि बॉडी जो पास हो रही है उसको कौन सा वो सरफेस नज़र आ रहा है ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, बाकी हम अभी क्वेश्चन करेंगे, मैं थोड़ा वायर सीधा करूँ, हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एरिया वेक्टर का और डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दे दिया। फटाफट हम बात करते हैं कि देखिए ई डॉट डी ए, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों में जरा ध्यान रखिएगा बेटा कि एरिया वेक्टर सबसे अच्छा। ये एक और जरूरी बात थी कि भाई एरिया जो किसी भी बॉडी का है, आप तो कहेंगे सर एरिया तो बदलता ही नहीं है, एरिया तो जब रखो सेम होता है, अरे एरिया नहीं बदलता, आप खुद सोचिए सामने से कि अगर मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ, मान लीजिए सामने से कोई तीर मार रहा है मुझे और मैं यूँ खड़ा हूँ उसके सामने शक्तिमान बन के, तो तीर लगने का चांसेस ज़्यादा है, ओबेसी बात, अभी बॉडी इतनी एक्सपोज हो रही है तो एरिया वेक्टर इतना एक्सपोज हो रहा है। मैं क्या करूँगा अगर वो तीर के सामने मैं यूँ हो गया ऐसे और तीर सामने से आ रहा है, तो अब जो मेरी बॉडी एक्सपोज है वो सिर्फ इतनी है, अब तीर इधर लगेगी, बेसिकली जो क्या कहते हैं बॉडी पार्ट्स मेरे जो ज़्यादा हार्म हो सकते हैं, जिससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वो तो बेसिकली बच जाएंगे क्योंकि तीर परपेंडिकुलर सॉरी टेंजेंट बना के निकल जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो मेरा एरिया सरफेस एरिया कैसा भी हो लेकिन वो डिपेंड करता है कि सामने से फील्ड कैसा आ रहा है और जो फील्ड आ रहा है उसके सामने मैं कैसे खड़ा हूँ, तो बेसिकली इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है ना भाई। आप लोग जब वो स्टीम बात लेते हो, स्टीम ऊपर आता है तो ऐसे मुंह करके रहते हो है ना, फिर स्टीम बात अब आपको लग रहा है फेस पे बहुत ज़्यादा तो आप मुंह ऊपर उठा लेते हो, अब वो स्टीम जो बात है वो जो भाप है स्टीम वो आपके सामने से जा रही है, बेसिकली अपने एरिया वेक्टर को जो एक्सपोज कर रहे थे उसको अपने एरिया को, एरिया की वैल्यू वही है बस जो एक्सपोज हो रहा था फील्ड के सामने उसको आपने चेंज कर दिया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो अब इन क्वेश्चंस में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं ई डॉट डी ए, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं बेटा, ये हो जाता है ई डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ई तो कॉन्स्टेंट मैं लेके चल रहा हूँ, तो ई ए कॉस थीटा, तो जो फ्लक्स है हमारे पास और ई से मेरा मतलब है इलेक्ट्रिक, ये बेसिकली तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो ई पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा और कॉस थीटा यानी कि थीटा पे डिपेंड करेगा, तो बेसिकली तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, यानी फाई डिपेंड्स ऑन ई पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा एंड एंगल बिटवीन, एंड एंगल बिटवीन ई एंड ए, यानी जिसे हम प्यार से थीटा भी कहते हैं, ई पर डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा और एंगल बिटवीन ई और ए पे भी डिपेंड करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सामने से जो तीर आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं एरिया शक्तिमान बन के सामने खड़ा हूँ, अचानक मैं और ज़्यादा चौड़ा हो जाऊँ तो पहले के मुकाबले ज़्यादा तीर लगने के चांसेस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो एरिया पे तो डिपेंड किया। अच्छा, सामने से जो मुझे तीर मार रहे हैं अगर वो कम वॉल्यूम में ज़्यादा तीर मारने शुरू कर दिए उन्होंने, बहुत ज़्यादा मेरी तरफ तीर आ रहे हैं, पहले तो एक यूँ आया और एक ऐसे आया, देखो मैं कैसे कैसे एग्जांपल दे रहा हूँ पर सुनो, अब ऐसे और ऐसे के बीच में 10 तीर और आ रहे हैं, तो बेसिकली जो फील्ड आ रहा है वो बढ़ा तो भी फ्लक्स बढ़ेगा, ज़्यादा पास होगा बॉडी में से, एरिया अगर ज़्यादा बढ़ गया तो भी वो ज़्यादा पास होगा, और एंगल पे डिपेंड भी करता है, यानी कि अब मैं सामने खड़ा हूँ अगर मैं यूँ हो जाऊँ तो थोड़े कम चांस हो जाएंगे और अगर यूँ हो गया तो वो तीर ऐसे निकल जाएगा, तो मैं मेरा जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो बात को समझिएगा, ई ए और थीटा तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो देखो अगर ई बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, और कैसे बढ़ेगा, मान लो कि कोई बॉडी है ये, अब 2D में तो बच्चों ऐसे ही समझ में आएगा है ना, 2D में ऐसे ही समझ में आएगा, मान लो कोई बॉडी है ये, अब बोर्ड 2D है, डायग्राम 3D बना रहा हूँ, मैंने कहा जी पहले जो इसमें से गुजर रही थी वो तीन लाइनें गुजर रही थी, अब किसी ने कहा नहीं सर तीन की बजाय मैं ई बढ़ा रहा हूँ, आपने ई बढ़ा दिया, अगर आपने ई बढ़ा दिया तो अब इस बॉडी में से अगर मैं बात करूं आपसे तो अब ई बढ़ने की वजह से अब ई किससे बढ़ता है भाई, नंबर ऑफ लाइंस, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा हुआ दिखाना है तो करोगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज़्यादा दिखा दो, अब तीन की जगह 30 मान लो बहुत ज़्यादा फील्ड, तो आपने ई की वैल्यू बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी, और ई बढ़ा तो ज़्यादा लाइनें पास हो रही हैं तो फाई भी बढ़ गया, समझ गए। तो एक तो ये हमारे पास चीज़ आती है, दूसरी चीज़ कि भाई अगर एरिया वेक्टर बढ़ेगा तो भी फ्लक्स बढ़ेगा,
वैसे सही बताऊँ, अब मैं एरिया वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं ओवरऑल एरिया की बात कर रहा हूँ। एरिया वेक्टर तो सामने ही रहेगा भाई। अरे अगर आप मेरी बात सुनिए ना, इधर देखिए इसका एरिया वेक्टर किधर है, इस सरफेस का आपकी तरफ है, एरिया वेक्टर किधर है इसका, इसका आपकी तरफ है ना, बोर्ड का किसकी तरफ है। अरे बोर्ड का भी तो एरिया वेक्टर आपकी तरफ ही आ रहा है। तो अब मुझे बताओ, सामने से बहुत सारे तीर आ रहे हैं, तो इसमें से पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं बोर्ड में से। अरे बोर्ड पे तो निशाना और अच्छा लग जाएगा, जितना ज़्यादा फैलाओगे उतना ही ज़्यादा तीर लगने के चांसेस होंगे। तो बेसिकली एरिया वेक्टर नहीं बढ़ा रहे हैं, ओवरऑल एरिया को बढ़ा रहे हैं, ओवरऑल एरिया को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल एरिया को बढ़ाने से मेरा मतलब है, मान लो ऐसा कोई क्यूब था, ठीक है, फील्ड किसी ने पास करवाया, तो भाई दो तीन लाइनें ऊपर से निकल गई, दो लाइनें अंदर से निकल गई। किसी ने कहा नहीं, पहले के मुकाबले बड़ी बॉडी बना दो। अब पहले के मुकाबले बड़ी बॉडी बना दी इसकी, अब जैसे ही बड़ी बॉडी बनाई, अब जो लाइनें पहले बाहर से जा रही थी वो भी अब इसके अंदर से जाएंगी। तो एरिया बढ़ने के बाद भी फ्लक्स बढ़ गया, यानी कि जो लाइन उसमें से पास हो रही है, जो फील्ड उसमें से गुजर रहा है, फ्लक्स उसमें से गुजर रहा है, वो बढ़ गया। तो बढ़ गया तो इसका मतलब कि ए बढ़ने पर भी फ्लक्स बढ़ता है। फिर तीसरी बात आई कि भाई एंगल के बदलने से क्या होता है, तो एंगल के बदलने से ये होता है, एंगल के बदलने से होता है कि देखिए सामने से फील्ड, मान लीजिए सामने से आपकी तरफ से फील्ड जो है, वो तीर जो है, वो जो निशान है वो यूं आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, सामने से जो तीर है वो इस तरह आ रहे हैं। क्या ऑर्डर किया था भाई पता नहीं, जाने दो, सोचो मत। तो सामने से तीर ऐसे आ रहे हैं यूं, तो फील्ड ऐसे आ रहा है, इसका एरिया वेक्टर किधर है, आपकी तरफ। अब सामने से तीर ही आ रहा है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको पकड़ के मैंने ऐसे घुमा दिया, तो समझिए इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ है। जब ये यूं घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी ऐसे घूम जाएगा। अब वो चीज़ गिर रही है वो यूं आके लगेगी। अगर मैंने यूं घुमा दिया तो इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर तो इधर चला गया, इस वाले का एरिया वेक्टर इधर आ गया। अगर मान लीजिए कि भाई मैं इसको आपको 2D के हिसाब से समझाऊं, तो सामने से तीर इस रिंग में से ऐसे पास होने के लिए आया, रिंग का एरिया वेक्टर आपकी तरफ है। वैसे रिंग 2D है तो एरिया वेक्टर मेरी तरफ भी हो सकता है, ठीक है। अब तीर यूं आया आपकी तरफ से, फील्ड यूं आया, इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ है। मैंने रिंग को ऐसे घुमा दिया तो एरिया वेक्टर अब इस तरफ आ गया, लेकिन फील्ड तो ऐसे आ रहे हैं। अब फील्ड रिंग के प्लेन में से गुजर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं गुजर पाएगा, वो तो इससे भिड़ जाएगा, रिंग के प्लेन से नहीं गुजर पाया। तो मैं क्या बोलूँगा कि एरिया वेक्टर इस साइड में है, फील्ड इस साइड में है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन गया, और कॉस 90 हमारे पास जीरो होता है, इसलिए मैंने कॉस थीटा लगा दिया साथ में इसके, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है और 90 बनने पे हम देख भी रहे हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो इससे हम एरिया वेक्टर यानी कि हम एंगल से भी फाई की वैल्यू में चेंजेस को देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को? ये पूरा यकीन है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कुछ बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो बहुत बेसिक सी चीज़ समझ लीजिएगा कि भाई जो फाई इज इक्वल टू, बार बार आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, तो भाई बात ऐसी है कि फाई जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट इसकी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, इसका न्यूटन प्रति कूलॉम होता है, न्यूटन पर कूलॉम ये मीटर स्क्वायर होता है। डाइमेंशंस 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 क्या हो जाएंगे भाई? देखो न्यूटन के लिए तो होता है m1 l1 t-2, मीटर स्क्वायर के लिए होता है l2, कूलॉम के लिए होता है at। तो अगर आप ओवरऑल बैलेंस करके देखें तो ये हो जाएगा m1 l3 t-3 a-1, ठीक है, m1 l3 t-3 a-1। तो बेसिकली ये इसकी हो गई हमारे पास डायमेंशंस। वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी रीजन होता है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी रीजन से पास हो रही हैं, यही होता है। तो नंबर्स की तो यूनिट ही नहीं होती, तो इसकी यूनिट क्यों है बताओ? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके वो होती हैं इमेजनरी, तो इमेजनरी चीज़ों की यूनिट भी होती है। इसीलिए कहा ना कि डेफिनेशन से मत बताया करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ ई डॉट डी ए से, ठीक है। चलो इस पर फटाफट हम देख लेते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। बच्चों इस पे क्वेश्चन देखने के लिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बहुत ही बेसिक साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जी ये एक आपके पास है क्यूब,
क्यूब जैसा बता देते हैं पहले, और मैं देखूं कि आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा इस साइड में बनाता हूँ, है ना, थोड़ा सा इस साइड, ताकि दिक्कत नहीं है। अब ये थोड़ा गीला भी है बोर्ड, लगता थोड़ा वेट करना पड़ेगा बनाने से पहले। चलो मैं ऐसे बना देता हूँ। मैंने कहा जी ये हमारे पास है एक साधारण सा क्यूब, ठीक है, और इसकी लोकेशन मैंने आपको दे दी, मैंने इसकी लोकेशन दे दी। मैंने कहा जी ये जो है इसके कोऑर्डिनेट है ए जीरो, और इसके कोऑर्डिनेट है टू ए कॉमा जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये आई कैप है डायरेक्शन, ये जे कैप है, इस साइड में लिख देता हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, जहाँ ई नॉट कॉन्स्टेंट है। फाई नेट कितना होगा सोचिए, बताइए, सॉल्व कीजिए, और मैं तब तक दूसरे डायग्राम को बनाने के प्रयास में लगता हूँ। दूसरे वाला डायग्राम तब तक मैं बना देता हूँ बच्चों, ताकि आपको अगला क्वेश्चन भी मिल जाए सॉल्व कैसे करना है। तो जी दूसरा जो है वो कुछ इस तरह बनेगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। दूसरा जो हमारे पास है वो इस तरह से है क्यूब, और अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू E नॉट X I कैप, E नॉट X I कैप, और फील्ड जो मैं दिखा रहा हूँ बेसिकली आपको पता तो लगी है I कैप में है, और इस ये है हमारे पास A कॉमा जीरो, और ये लोकेशन है 2A कॉमा जीरो। यहाँ से भी फाई नेट आपको बताना है। नेट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों का नेट होता है बेटा। अगर सारा का जितना फ्लक्स आया उतना चला भी गया तो नेट फ्लक्स जीरो होता है, ध्यान रखना, जितना आया उतना चला भी गया तो नेट फ्लक्स जीरो, ठीक है ना। जितना पैसा कमाया सारा खर्च कर दिया, नेट फ्लक्स जीरो, ठीक है, हाँ जी। और इसके साथ में एक तीसरा और मैं आपके सामने बना देता हूँ, तीसरा और मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, वो है इस तरह से, ये देखिए। तीसरे वाले में मैं इसे क्यूब नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के, आपको रीज़न बताऊँगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो है E इज इक्वल टू E नॉट X K कैप, और ध्यान रखिएगा बेटा I कैप ये है, J कैप ये है, K कैप जो है वो बाहर की तरफ है, इस बार डायरेक्शन K की तरफ है, लेकिन E जो है वो बढ़ X के हिसाब से रहा है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। और ये जो है इसकी लोकेशन है ए कॉमा जीरो, और ये है टू ए कॉमा जीरो। बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसको क्यूब भी बना दूं तो भी मैं इनकमिंग और आउटगोइंग के हिसाब से देखूंगा तो नेट जीरो हो जाएगा। मैं जानबूझ के मैंने क्या किया, स्क्वायर प्लेट बनाया है इसको, ठीक है, हाँ जी। तो स्टूडेंट्स बताइए फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं इधर खड़ा होकर फोटो खींचा लेता हूँ, इससे क्या होगा कि वो बन जाएगा ना थंबनेल, हाँ जी, थंबनेल, थंबनेल बनाना है बढ़िया सा। और बढ़िया सा थंबनेल कैसे बनेगा, इसी हेयर स्टाइल के साथ बनेगा, ठीक है। तो मैं थंबनेल ऐसे, चलो भाई बच्चों करो सॉल्व करो, जल्दी करो, ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट आप सॉल्व करो, तब तक मैं हेयर स्टाइल अपना सही करता हूँ। तो देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको अपने को सॉल्व करना है ऐसे, E इक्वल टू E नॉट आई कैप है, है ना। तो जरा सोचो कि अगर ये जो डब्बा है, इस डब्बे से इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आ रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, समझ रहे हो। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ये क्यूब नजर आएगा या स्क्वायर प्लेट नजर आएगी, स्क्वायर प्लेट नजर आएगी, क्यूब नजर नहीं आएगा, स्क्वायर प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आ रहा है, इस पे एरिया वेक्टर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। हमें एंगल देखना होता है E जो कि आ रहा है फील्ड, और एरिया वेक्टर A 180 डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, A कॉमा जीरो, विच मीन्स अगर इस वाले क्वेश्चन में आप बात करेंगे और आप बोलेंगे सर इसमें फाई इनकमिंग क्या है, तो मैं बोलूँगा फाई इनकमिंग इज E डॉट A। आप खुद सोचो कि ये इसकी ये आपको स्क्वायर मैंने बोला है और ये ए है, तो हर साइड से ए है,
तो इसका मतलब कि इसको क्या दिखेगा, इसको तो ये दिखेगा कि जी ये तो एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड ए है, तो एरिया ए स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। तो फाई इनकमिंग इज इक्वल टू ई, जिसकी वैल्यू ई नॉट है, ठीक है। वैसे आप आई कैप और माइनस आई कैप में भी कर सकते हो, ए यानी कि एरिया, कॉस ई और ए के बीच का एंगल, दोनों का 180 डिग्री बन रहा है, तो मैं लिख देता हूँ कॉस 180 डिग्री विच इज माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस 180 माइनस 1 होता है, ई और ए और उनके बीच का एंगल। अच्छा, फाई आउटगोइंग क्या बनेगा, बाहर निकलने वाला फ्लक्स, वो बनेगा हमारे पास, देखो अब देखो बाहर कैसे निकला है, ध्यान देना, ये यूं आया इस प्लेट पे, तो एरिया वेक्टर बाहर है, निकलेगा कौन से साइड से, अगर ये यूं घुसा तो इस साइड से बाहर निकलेगा, अगर इस साइड से ये बाहर निकल रहा है, अगर इस वाली प्लेट से ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इस प्लेट का एरिया वेक्टर किधर होगा, वो भी बाहर की तरफ ही होगा, और जो फील्ड घुस के इधर से बाहर निकल रहा है वो भी ऐसे निकल रहा है, तो इस प्लेट का एरिया वेक्टर भी इधर, फील्ड भी इधर, दोनों में एंगल कितना बन रहा है, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री। तो हम लिख देते हैं ई नॉट इंटू ए स्क्वायर कॉस ऑफ जीरो डिग्री, यानी ई नॉट ए स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है, अगर आप फाई नेट यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा, इसको और इसको आप ऐड कर दो, तो ई नॉट ए स्क्वायर माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, नेट आंसर आ गया जीरो, ठीक है। अरे जितनी लाइनें घुसेंगी उतनी लाइनें अगर बाहर निकल जाएंगी तो नेट फ्लक्स क्या है, जीरो हो जाएगा, सोचने की ज़रूरत ही नहीं। क्या इसमें भी यही हो जाएगा, देखने से तो यही लग रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, क्या इसमें से भी यही हो जाएगा, सेकंड वाले का आंसर भी मैं आपको इसी के अंदर बता देता हूँ। मैं सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर ये वाला क्वेश्चन बनाऊँ तो बेसिकली मुझे ई नॉट एक्स आई कैप लगाना पड़ेगा, वो इसलिए ताकि इसको मैं इधर सॉल्व कर दूँ, ई नॉट एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए है, तो ये अगर ई नॉट एक्स होगा, ध्यान देना, तो फर्स्ट केस में देखो ये तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर प्लेट का एरिया, अरे ई में कोई चेंज कर रहे हो ना, एरिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस स्क्वायर प्लेट का एरिया तो ए स्क्वायर ही रहेगा, इसका जो एरिया वेक्टर है जो मैंने क्यूब अभी लिया था उसका एरिया वेक्टर इधर ही है, उसका एरिया ए स्क्वायर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों चीज़ें तो सेम रहेंगी। ई नॉट की जगह अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट इंटू ए। अब आप बोलेंगे सर ये ए कहाँ से आया, अरे भाई एक्स, ये जो एक्स है इसकी वैल्यू यहाँ ए है, तो ई नॉट ए हो गया, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का ई नॉट ए क्यूब, पावर तीन हो गई ना इस बार इसकी पावर हो गई तीन, ठीक है, पावर तीन हो गई। और इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलते टाइम एक्स की वैल्यू टू ए हो जाएगी, है ना, एक्स की जगह टू ए हो जाएगा, तो देखो ये तो कोई चेंज नहीं है, इधर ई नॉट की जगह आएगा बेसिकली ई नॉट इंटू टू ए, क्योंकि ई नॉट एक्स है, एक्स की वैल्यू टू ए है, तो ये ई नॉट टू ई नॉट ए क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ टू ई नॉट ए क्यूब। अब फाई नेट कितना आएगा, टू ई नॉट ए क्यूब माइनस ई नॉट ए क्यूब, तो ये आ जाएगा ई नॉट, आंसर बदल गया भाई, जितना फ्लक्स घुसा था क्या उतना बाहर निकल गया, नहीं घुसा कम था निकला ज़्यादा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ बताया, अब इसका सॉल्यूशन बताइए, चलिए लगाइए दिमाग, थर्ड वाले का क्या सॉल्यूशन बनेगा, बोलिए बताइए भाई, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन एक्स की तरफ है, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह है, देखो बनाने को तो मैं वो भी बना दूँ कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप समझ जाएंगे कि मैंने स्क्वायर प्लेट क्यों बनाई है, वो आपको रीज़न समझ में आ जाएगा। थर्ड वाले में ये है कि ई की वैल्यू है ई नॉट एक्स, तो इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में ई की वैल्यू बढ़ रही है, यानी मान लीजिए, लेकिन सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता किधर है, के कैप यानी बाहर की, ठीक है। देखिए ये एक्स है, ये ऊपर वाई है और जेड आपकी तरफ है, जिसे मैं के कैप कह रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूं जा रहा है आपकी तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो बढ़ रही है वो इस तरफ बढ़ रही है, यानी कि मैं गन लेके यूं खड़ा हूँ
तो मैं गोली चलाऊंगा सामने, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सामने आएगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो मेरे से मेरे पास खड़ा है थोड़ा सा गैप लेके, उसने भी गन आपकी तरफ कर रखी है। तीसरा व्यक्ति जब खड़ा है तो दूसरे और तीसरे के बीच में जो गैप है वो पहले और दूसरे के बीच के गैप के मुकाबले कम है। फिर तीसरे के बाद में चौथा व्यक्ति गन लेके उस तरफ खड़ा है तो तीसरे चौथे के मुकाबले गैप और भी ज़्यादा कम है। पांचवा व्यक्ति और उसके नज़दीक खड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम सबकी डायरेक्शन तो उस तरफ है गोली चलाने की, लेकिन एक्स की डायरेक्शन में जब हम बढ़ रहे हैं तो हमारा नंबर पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी कि बेसिकली जो लाइनें हैं, यानी आप ये समझिए हम सब जेवलिन खेल रहे हैं, सब भाला फेंक रहे हैं, तो मैंने फेंका, दूसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा है, लेकिन हमारी वैल्यू जो है वो एक्स के हिसाब से बढ़ रही है, तो भाला तो सभी सामने फेंक रहे हैं, लेकिन मेरे और दूसरे में जो गैप है वो दूसरे और तीसरे में थोड़ा कम हो जाएगा, तीसरे चौथे में और कम हो जाएगा, चौथे पांचवें में और कम हो जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर एरिया, अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्पेस में बात करूं भाला फेंकने की, तो इस जो कोई व्यक्ति जब इस तरफ आ रहा होगा तो सामने जो भाले वो कम फेंके जाएंगे, लेकिन जितने भाले उस तरफ देखेंगे उस तरफ ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में जो भाला फेंकने के जो मतलब लोग हैं वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा हो रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? यानी किसी इंसान के जिंदा बचने के चांस है तो जो मेरे बिल्कुल सामने होगा उसके चांस ज़्यादा है, क्योंकि मैं फेंकूंगा और दूसरा फेंकेगा तो बीच में कुछ गैप होगा, लेकिन जितना वो इस तरफ यानी कि सामने से इस तरफ भागता जाएगा उतना ही उसके मारे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कम वॉल्यूम में ज़्यादा भाले गिरने शुरू हो जाएंगे। आप कुछ बात समझ पा रही है कि ई नॉट एक्स का मतलब क्या है? एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन सबकी के कैप में। अब इसमें क्या किया जाए? अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, हम इसमें देखिए यहाँ से लेके यहाँ के बीच में ही हम कोई एक काम करते हैं, स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। तो स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, तो एलिमेंट हम ले लेते हैं, उस एलिमेंट का देखिए अगर ये ए है साइड, तो ये भी हमारे पास ए साइड है, तो ये जो एलिमेंट है इसकी ये वाली साइड तो ये भी ए ही होगी, और जो विड्थ है उसकी उसको हम dx ले रहे हैं। अरे एक्स की डायरेक्शन में ही तो ये बढ़ रहा है ना, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई एक dx विड्थ का और ए लेंथ का एक छोटा सा हमने इसमें एरिया एलिमेंट निकाल लिया। ठीक है, अब एरिया एलिमेंट क्यों? क्योंकि ये ए है ये dx है, तो इसका एरिया हो गया ए डी एक्स, एक छोटी सी प्लेट हमने इसमें से निकाल ली जिसकी देखो ए से 2a के बीच में इंटीग्रेशन करना है। हम क्या लिखेंगे, ए से 2a के बीच में, ए से 2a के बीच में, हाँ जी, अब वैल्यू क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स। ठीक है, के कैप को हम एंगल हटा दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, और एरिया वेक्टर, इस प्लेट का भी एरिया वेक्टर आपकी तरफ ही होगा। अरे एरिया वेक्टर तो सबका ही आपकी तरफ होगा, इस वाली प्लेट में मैं कितना भी छोटे से छोटा हिस्सा इसका काटूं, छोटी से छोटी मैं इसकी एलिमेंट को मानूं, एरिया वेक्टर आपकी तरफ ही होगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जीरो ही आएगा ई नॉट एक्स। और एरिया क्या हो जाएगा जी इसका, ए डी एक्स हो जाएगा, ए डी एक्स। बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट इंटू ए, बाहर निकाल लो, एक्स डी एक्स ए से 2a, तो ये हो जाएगा ई नॉट ए। ठीक है, ई नॉट ए और एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन कर दो ना a से 2a। तो सही बताऊँ तो बेटा 2 को आप यहाँ निकाल लो, ये एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा ई नॉट ए अपॉन 2, एक्स इज 2a रखेंगे तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस ए की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना जाएगा ये हमारे पास 3a स्क्वायर, और ये 3a क्यूब बन जाएगा, तो e नॉट a क्यूब और 3 बाई 2, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो a की पावर 3 ही हो गई, तो 3 e नॉट a की पावर 3 अपॉन 2, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है बेटा, और ऐसा घबराओ मत, बस क्वेश्चन में ये दिया था कि ये एक्स की डायरेक्शन में बढ़ रहा है लेकिन तीर सब उसी तरफ फेंक रहे हैं, तो मैंने कहा जब इस तरफ बढ़ रहा है तो मैंने यहाँ से एक dx छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया वेक्टर सामने है। अब dx एलिमेंट लूँगा तो ऐसे ही इतना ही बड़ा, तो उसका एरिया कितना होगा a मल्टीप्लाइड विद dx। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय टुडेज क्लास। कैसा लगा लेक्चर आप जरूर बताइएगा। थर्ड क्लास यानी कि
थर्ड क्लास मतलब थर्ड लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा गॉस थ्योरम, ठीक है।